Hello students, good morning. Welcome back to another video. In this video, we shall study about balancing a chemical equation by ion electron method or half reaction method. Okay students, ion electron method या half reaction method के द्वारा किसी chemical equation को कैसे हम balance करते हैं ये आज हम सीखेंगे. Okay, तो बच्चों पेन का तो उठा लो और हेडिंग लगाओ बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन बाई हाफ रिएक्शन मेथड आर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ओके, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ रूल्स लिखवाऊंगा, कुछ रूल्स होंगे और उन रूल्स को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं रूल्स. बच्चों पहला रूल है राइट द गिवन इक्वेशन. राइट द गिवन इक्वेशन. राइट द गिवन इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म. जो भी आपका रिएक्शन हो उसे आयनिक फॉर्म में लिख दीजिए. दूसरा है आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो. ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसका रिडक्शन होता है. थर्ड रूल है बच्चों, ब्रेक द इक्वेशन. ब्रेक द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स. ओके, इक्वेशन को दो हाफ में तोड़ दीजिए, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. कौन कौन से हाफ हैं? ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ. ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में तोड़िए. फिर उसके बाद चौथा है बैलेंस द हाफ इक्वेशन. बैलेंस द हाफ इक्वेशन. अब इसके अंतर्गत आप लोगों को तीन चार पॉइंट्स हैं. पहला बैलेंस आर अदर इक्वेशंस. ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी को बैलेंस कर लेंगे. सेकेंड, ओके, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O. ओके, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेंगे? H2O ऐड करके टू द साइड ऑफ
DPCA and deficient in O. This side marks in Pamoka, the question book will be in. Third, balance hydrogen by adding the charge. Balance hydrogen by adding hydrogen H plus ions. Okay, H plus ions के द्वारा जो है हम hydrogen को balance करते हैं. Fourth, balance charge by adding electron. Balance charge by adding electrons. Okay, इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो है हम चार्ज को बैलेंस करते हैं. फिफ्थ, ऐड द टू हाफ्स. ऐड द टू हाफ्स ऐड द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन सच दैट इलेक्ट्रॉन्स इन टू हाफ गेट कैंसिल्ड. ओके, इस तरह से दोनों हाफ को जोड़िए कि इलेक्ट्रॉन जो है कैंसिल हो जाए. इतना करने के बाद जो है आपका बैल जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगा. ठीक है, यदि मान है बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है उसके लिए यहीं पर सिक्स रूल ऐड कर लेंगे. फॉर बेसिक मीडियम फॉर बेसिक मीडियम एड एज मेनी एज मेनी ओ एच माइनस आयंस. ओके, फॉर बेसिक मीडियम एड एज मेनी ओ एच आयंस टू बोथ साइड्स. Sides as many yes plus ions were added. ठीक है, तो ये बच्चों रूल्स होंगे. ये जो है हम लोगों के लिए कुछ रूल्स हैं. अब इन्हीं रूल्स को जो है हमको लेकर के चलना है. ठीक है, तो आपके पास देखिए रूल्स क्या है. राइट द गिवन इक्वेशन इन एनी फॉर्म. राइट द गिवन इक्वेशन इन एनी फॉर्म. आइडेंटिफाई एलिमेंट्स अंडर गोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. ठीक है, यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पता करने के लिए हम देखेंगे किस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता होगा. जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा, और जिसका रिडक्शन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा उसका रिडक्शन हो रहा. ठीक, फिर उसके बाद ब्रेक द इक्वेशन इन टू टू हाफ. दो हाफ में तोड़ देंगे इक्वेशन को. एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा होगा रिएक्शन हाफ रिएक्शन. फिर इस हाफ इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे. ठीक है, बैलेंस करने के लिए क्या है, बैलेंस आर अदर एटम्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके सभी एटम्स को बैलेंस कर लेंगे. फिर
फिर इसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करने की बारी आएगी, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O टू द साइट डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। ठीक, जिस तरह ऑक्सीजन की संख्या कम रहेगी, जितने एटम ऑक्सीजन कम होंगे उतने हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे साइट। ठीक, बैलेंस H बाय एडिंग H आयंस, H प्लस आयंस, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H प्लस आयंस हम जोड़ेंगे, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एड द टू हाफ सच दैट इलेक्ट्रॉन इन टू हाफ गेट कैंसिल। उसके बाद दोनों हाफ इक्वेशन को इस प्रकार जोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ठीक है, और आखिर में यदि मान लीजिए कि आपका रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो उतनी संख्या में हम OH माइनस आयंस जोड़ेंगे दोनों तरफ, दोनों साइड जितना हम एक साइड में OH आयंस जोड़े थे। ओके, इसको नोट कर लीजिए, पास करके नोट कर लीजिए। अब हम एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है ना, उसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक, यदि एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन हो रहा है तो ये फिफ्थ पॉइंट तक करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। यदि बेसिक मीडियम में हो रहा है तो सिक्स्थ वाला भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, नोट कर लें, मिटा दें, पक्का चलो। तो रूल्स आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन दे रखा बच्चों, रिएक्शन दे रहा है एफ की एग्जाम्पल दे रहे हैं, एफ की डबल पॉजिटिव प्लस Cr2O7 टू माइनस Cr डबल पॉजिटिव प्लस सफल पानी। ठीक है, यह हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी या आयनिक फॉर्म में दे रखा है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू है, यहां पर क्रोमियम का निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए क्रोमियम का एक्स मान लेंगे तो 2x 7 × 14 -14 −2 2x इक्वल हो जाएगा −2 +14 2x इक्वल टू +12 x इक्वल टू +6 तो क्रोमियम का +6 है, आयरन का +2 है, यहाँ पर क्रोमियम का +3 है, यहाँ पर आयरन का +3, ये जो चार है वही ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों। ठीक है, तो कहा था क्या आयनिक फॉर्म में चेंज करेंगे, तो पहले ऑलरेडी जो आयनिक फॉर्म में है अब क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एलिमेंट्स का जिसका ऑक्सीडेशन होगा और जिसका रिएक्शन होगा। चलिए देखते हैं, Fe जो है 2 से 3 में जा रहा है, इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। आगे देखेंगे क्रोमियम बच्चों +6 से +3 में आ रहा है, Fe जो है आपका +2 से +3 में आ रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, और क्रोमियम +6 से +3 में आ रहा है, अर्थात ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज रिडक्शन हो रहा है। अब आप आइडेंटिफाई कर लिए कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब बच्चों हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन, यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ और यहां पर रिडक्शन हाफ। ठीक, ऑक्सीडेशन हाफ देखिए Fe डबल पॉजिटिव
थ्री डबल पॉजिटिव रिडक्शन आर क्या है सी आर टू ओ सेवन टू माइनस सी आर डबल पॉजिटिव ये रिडक्शन आर है ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या पहले बैलेंस करेंगे रूल यही था बैलेंस ऑल अदर आइटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन है ना आयरन है बैलेंस है। यहां पर देखिए क्रोमियम दो है यहां पर क्रोमियम एक है यहां पर लगाना पड़ेगा आपको टू यहां पर लगाना पड़ेगा टू ठीक। पहले इसको हम कर लेते हैं ऑक्सीडेशन आपको ठीक है आयरन बैलेंस अब उसके बाद देखिए चार्ज बैलेंस करने की बात आएगी तो चार्ज इधर जो है प्लस टू है आपके पास तीन थ्री है तो इधर ज्यादा प्लस आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ना पड़ जाएगा। आइए इसको बैलेंस करते हैं तो क्रोमियम दो क्रोमियम एक दो लिख दिया ठीक। अब आइए हम देखते हैं ऑक्सीजन इधर सेवन ऑक्सीजन है इधर सीधे सीधे क्या करेंगे सेवन एच टू ऐड कर देंगे ठीक। अब देखिए ऑक्सीजन पहले हो गया और हाइड्रोजन बढ़ गया सेवन टू या फोर्टीन इधर जो है ये साइड में हम फोर्टीन एच कर देंगे एच प्लस आए ठीक है। अब चार्ज देखिए बैलेंस करते हैं तो यहां पर देखेंगे आप तो 14 प्लस है तो माइनस है टोटल हो गया प्लस 12 इधर क्या है टू थ्री जा सिक्स प्लस सिक्स इधर ज्यादा पड़ रहा है हम इस साइड में क्या करेंगे कितना ज्यादा पड़ रहा है सिक्स ज्यादा पड़ रहा है तो सिक्स इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे लेफ्ट साइड में क्या करेंगे सिक्स इलेक्ट्रॉन हम प्लस कर देंगे तो ये अब जो है हमारा हाफ बैलेंस हो गया तो ये भी हाफ बैलेंस हो गया। आगे क्या कह रहा है कि इन दोनों हाफ को हमें ऐड करना है ऐसे ऐड करना है जिससे कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए देखिए इस साइड में सिक्स इलेक्ट्रॉन इसमें वन इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन को सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ठीक है सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एफ डबल पॉजिटिव इक्वल टू सिक्स एफ ट्रिपल पॉजिटिव प्लस सिक्स ई और इसको हम क्या करेंगे वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे वन से मल्टीप्लाई करने को अब जोड़ लेते हैं इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड एक तरफ हो जाएगा सिक्स एफ डबल पॉजिटिव प्लस सिक्स ई प्लस फोर्टीन एच प्लस प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस इधर सिक्स एफ डबल पॉजिटिव प्लस सिक्स ई प्लस टू सी आर ट्रिपल पॉजिटिव प्लस सेवन एच टू ठीक है। अब इसमें कैंसिल होने वाला कुछ पॉइंट है कैंसिल कौन कौन होगा ये इलेक्ट्रॉन ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है। कैंसिल करने के बाद हमारा क्या बनेगा सिक्स एफ डबल पॉजिटिव प्लस फोर्टीन एच प्लस प्लस सी आर टू ओ सेवन टू माइनस एरो सिक्स एफ डबल पॉजिटिव प्लस टू सी आर डबल पॉजिटिव प्लस सेवन एच टू ओ ये आपका बैलेंस इक्वेशन है ठीक है। और ये रिएक्शन बच्चों एसिडिक मीडियम में हो रहा है किस मीडियम में हो रहा है एसिडिक मीडियम में ठीक है
इसीलिए हम OH नहीं ऐड करेंगे। अब मिला सकते हैं या कई और सिक्स है या जबी सिक्स हाइड्रोजन फोर है इधर से हाइड्रोजन फोर्टीन फोर्टीन है इधर फोर्टीन क्रोमियम दो है इधर क्रोमियम दो है सेवन ऑक्सीजन सेवन ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन डाला है ट्वेल्व और फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स ये ट्वेल्व फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स प्लस हो गया और टू माइनस है कितना हो जाएगा 24 प्लस हो गया इधर 18 प्लस है 6 प्लस है 24 प्लस है तो चार भी बैलेंस हर एक एटम भी बैलेंस इस तरह से यह इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है तो आप इसको आप नोट कर लो आप लोग जब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये समझ में आएगा। ठीक पास करके नोट कर लीजिए। यहां पर ये इक्वेशन जो था ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में दिया हुआ था। ठीक है ना मिटा दें। चलो अब थोड़ा ऊपर लिखेंगे ताकि बड़ा बड़ा लिखने में भी आपको स्पेस की कमी ना हो पाए। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल है SO3 टू माइनस प्लस CR2 टू सेवन टू माइनस गिव्स SO4 टू माइनस प्लस सी आर प्रथम और ये रिएक्शन जो हो रहा है एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है तो सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर हम लिख लेंगे। सल्फर का देखेंगे बच्चों तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यक्स मान लेंगे सल्फर का माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस टू यक्स इक्वल टू माइनस टू प्लस सिक्स यक्स इक्वल टू प्लस फोर यहाँ पर सल्फर का प्लस फोर आ रहा है यहाँ पर क्रोमियम का पिछले क्वेश्चन में प्लस सिक्स आया हुआ था यहाँ पर सल्फर का निकालेंगे तो यक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू प्लस एट प्लस सिक्स सल्फर का प्लस सिक्स आ रहा है और यहाँ क्रोमियम का प्लस थ्री ऑलरेडी होने लगा है। ठीक है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर से पता कर देंगे हम क्या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिएक्शन हो रहा है। चलिए फोर से प्लस सिक्स में जा रहा है अर्थात ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्रोमियम जो है प्लस सिक्स से प्लस थ्री में जा रहा है क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। क्यों क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। अब इस इक्वेशन को हम टू हाफ में ब्रेक कर लेंगे। एक होगा ऑक्सीडेशन हाफ और दूसरा होगा रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ठीक ऑक्सीडेशन हाफ वाले रिएक्शन को लिखेंगे यस ओ थ्री टू माइनस एस ओ फोर टू माइनस रिडक्शन हाफ वाला रिएक्शन निकलेंगे सी आर टू ओ सेवन टू माइनस सी आर ट्रपल फॉर। ठीक अब कह रहे हैं बैलेंस करने के लिए तो हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो एटम होंगे उनको बैलेंस करेंगे। इसमें सल्फर बैलेंस है सल्फर बैलेंस होने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे इधर जो है आपका थ्री है इधर फोर है क्या करेंगे इस साइड में हम एच टू ओ को ऐड करेंगे एच टू ओ ऐड हो गया तो हाइड्रोजन बढ़ गया कितने हाइड्रोजन बढ़े दो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर टू एच प्लस लगाना पड़ेगा। ठीक है अब चार्ज को बैलेंस करेंगे बच्चों
यहां पर जो है 2 माइनस यहां 2 माइनस इधर 2 प्लस बढ़ रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2e जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन क्या बराबर हो गया। आइए क्वेश्चन आपको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके जो एटम है उनको हम बैलेंस करेंगे। क्रोमियम इधर 2 इधर 1 यहां पर 2 लगा देंगे क्रोमियम बैलेंस हो गया। उसके बाद बचता है ऑक्सीजन इधर 7 ऑक्सीजन है इधर 7H2O लगाना पड़ जाएगा ठीक 7H2O ऐड हो गया ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर 14 हो गया इधर इतनी हाइड्रोजन नहीं है तो H प्लस लगाएंगे इतनी H प्लस लगाएंगे 14 H प्लस ऐड कर देंगे ठीक। हाइड्रोजन भी बैलेंस ऑक्सीजन भी बैलेंस क्रोमियम भी बैलेंस। अब चार इधर चार देखेंगे प्लस का 14 और 2 का माइनस तो 12 प्लस है इधर 6 का प्लस है इधर ज्यादा प्लस आ रहा है अर्थात इधर हमको कितना दिया रहा है 6 इलेक्ट्रॉन इधर हम ऐड कर लेंगे ठीक है। अब हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने बैलेंस जो हाफ इक्वेशन है उनको ऐड करना है और ऐसे ऐड करना है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए ठीक है। या ऑक्सीडेशन हाफ में 2 इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन हाफ में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर ऑक्सीडेशन हाफ को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और रिडक्शन हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हो जाएगा 3H2O प्लस 3SO3 2 माइनस 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस 6E ठीक है। और ये 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ही जाएगा। अब हम इनको ऐड करेंगे इसका लेफ्ट साइड इसका लेफ्ट साइड लिखते हैं क्या होगा पहले SO3 का तो SO3 को लिखते हैं 3 रेड पेन से लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे 3SO3 2 माइनस प्लस 3H2O इधर आएंगे प्लस 6E प्लस 14H प्लस Cr2O7 2 माइनस राइट हैंड साइड में आएगा आपका 3SO4 2 माइनस प्लस 6H प्लस 6E प्लस 2Cr ट्रिपल पॉजिटिव प्लस 7H2। अब कुछ करना नहीं है देखिए ये इलेक्ट्रॉन जो बच्चों इस साइड में है और इस साइड में सॉरी किंतु यह प्लस है ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा ठीक है। बाकी जो है ये वाटर देखिए इस वाटर को हम क्या करेंगे इस साइड में भी वाटर और इस साइड में भी वाटर तो इस वाटर को क्या करेंगे हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे ठीक। फिर देखिए यहां पर H प्लस आयन है यहां पर भी H प्लस आयन है इधर जाते हैं इधर कम है इसको क्या करेंगे लेफ्ट साइड में ले आएंगे रिएक्टेंट साइड में ले आएंगे। अब ये सारा कार्रवाई पूरी करने के बाद हमारे इक्वेशन हो जाएगा बच्चों 3SO3 2 माइनस ठीक है ये 6H यहां पर आएगा माइनस 6H चल जाएगा 14H6 कितना तो 1H बच जाएगा प्लस 1H। उसके बाद Cr2O7 2 माइनस राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 3SO4 2 माइनस प्लस ये जो देखो 2Cr3 प्लस H2O7
और ये 3 इधर आया 7 में 3 निकल गया 4H2O हो गया ठीक है ये इक्वेशन जो आपका बैलेंस है मिला भी सकते हो सब पर 3 सब पर 3 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 8 आख से देखो 4 3 या 12 और 7 19 इधर चाहती है 12 12 इतना 3 3 का 9 9 7 16 12 4 16 ठीक है क्रोमियम 2 क्रोमियम 2 4 से देखेंगे तो 2 3 6 और 2 8 और 8 इधर 0 4 से इधर देखेंगे तो 3 2 6 3 2 6 इधर 0 हो जाएगा अर्थात ये इक्वेशन जो हमारा कंप्लीटली बैलेंस है नोट कर लें कठिन नहीं होता है बहुत ही आसान होता है आयनिक क्रिया का बहुत ही आसान होता है ये एसिडिक मीडियम में होता है यदि बेसिक मीडियम में होता तो क्या करते इधर भी 8 OH आयन जोड़ते और इधर भी 8 OH आयन जोड़ते थे ठीक है मिटा दें चलो तो दूसरा एग्जांपल हो गया अब आएंगे हम तीसरे एग्जांपल की तरफ तो बच्चों तीसरा एग्जांपल है नहीं हम इस अभी होमवर्क आपको दे देते हैं आप लोग कुछ बकुछ जो है उसको साफ करिएगा ठीक है MnO4 पहला होमवर्क है MnO4 माइनस प्लस Cr2 C2O4 2 माइनस ओके एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है राइट हैंड साइड में आ रहा है यह डबल पॉजिटिव प्लस CO2 प्लस बस CO2 ठीक है ये हो गया इसको आप बैलेंस करोगे दूसरा एग्जांपल नंबर दे रहा हूं C2O4 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस ठीक ये भी रिएक्शन जो है ये एसिडिक मीडियम में हो रहा राइट साइड में आ रहा है Cr2O5 प्लस CO2 ठीक है ये दो इक्वेशन आपको बैलेंस करने हैं नोट कर लीजिए जरूर बैलेंस करिएगा बैलेंस करके जो है नोटबुक में लिख लीजिएगा ठीक है मिटा दें पक्का चलो मिटा दें आइए बच्चों अब आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है बेसिक मीडियम सारा रूल वही होता है बस आखिर में दोनों साइड में उतने OH आयन जोड़ते हैं जितना कि एक तरफ OH आयन होता है ठीक है क्वेश्चन है MnO4 माइनस MnO4 माइनस ठीक है प्लस I माइनस बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है ठीक है MnO2 प्लस I ये हमारा इक्वेशन है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे आइडेंटिफाई करेंगे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिएक्शन हो रहा है MN का निकालना है तो देखिए ये डी ब्लॉक एलिमेंट है इसी के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग हो रहा है x मानेंगे -8 = -1 x = +7 यहाँ पर MN का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है यहाँ पर MN का x -4 = 0 x = +4 यहाँ पर इसका +4 ऑक्सीडेशन नंबर है ठीक है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इधर भी -2 ही होगा
आयोडीन का इधर माइनस वन है, इधर आयोडीन का जीरो है, ठीक। अब हाफ रिएक्शन लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ और रिएक्शन। देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन है, मैंगनीज का जो है प्लस सेवन से प्लस फोर में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आयोडीन का माइनस वन से जीरो में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो इधर ऑक्सीडेशन हाफ, और इधर रिडक्शन हाफ। चलिए ऑक्सीडेशन हाफ हमारा क्या है, आई माइनस इक्वल टू आई टू, रिडक्शन हाफ क्या है, एम एनओ फोर माइनस इक्वल टू एम एनओ टू, ठीक। सबसे पहले ऑक्सीजन आपको बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी टर्म उनको बैलेंस करेंगे, इधर दो आयोडीन इधर एक आयोडीन, तो क्या करेंगे इधर टू लिखेंगे, हो गया। अब चार बैलेंस करेंगे, इधर दो माइनस है तो यहाँ टू, सॉरी इस साइड में दो इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा तभी तो चार बैलेंस होगा, इधर जीरो चार इधर टू माइनस है इधर टू इलेक्ट्रॉन एड कर देंगे, चार बैलेंस हो गया। अब आइए रिडक्शन हाफ को बैलेंस करते हैं, मैंगनीज आखिर छोड़ करके मैंगनीज है, मैंगनीज बैलेंस है, इधर ऑक्सीजन चार इधर ऑक्सीजन दो है, तो क्या करेंगे जितने ऑक्सीजन कम उतना वाटर जोड़ देंगे, दो मालिक्यूल में वाटर जोड़ा। अब हाइड्रोजन इधर फोर हाइड्रोजन बढ़ गया, इधर क्या करेंगे प्लस फोर एच प्लस, ठीक। ये हो गया। अब आइए चार बैलेंस करेंगे, थ्री का प्लस आ रहा है यहां पर थ्री ई भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, और ऐसे प्लस करेंगे इलेक्ट्रॉन कैंसिल है, इधर थ्री है इधर टू है, तो इसमें थ्री का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी सिक्स इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब चलिए लिख लेते हैं, थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जस्ट सिक्स आई माइनस इक्वल टू थ्री आई टू प्लस सिक्स ई, और इसका क्या हो जाएगा सिक्स ई प्लस एट एच प्लस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस इक्वल टू टू एम एन ओ टू प्लस फोर एच टू ओ। इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे प्लस करेंगे, तो प्लस करने पर हमें क्या आएगा, देखिए सिक्स आई माइनस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन प्लस एट एच प्लस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है थ्री आई टू प्लस सिक्स ई प्लस टू एम एन ओ प्लस फोर एच टू ओ, ठीक है। अब देखो बच्चों यहां पर सिक्स ई लेफ्ट साइड में भी है और सिक्स ई राइट साइड में भी है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हटा देते हैं क्या हो जाएगा सिक्स आई माइनस प्लस एट एच प्लस प्लस टू एम एन ओ फोर माइनस इक्वल टू थ्री आई टू प्लस टू एम एन ओ टू प्लस फोर एच टू ओ। चूंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा बच्चों, मैंने आपको बताया था कि एड मेनी ओएच आयंस टू बोथ साइड्स, ओके एड एच आयंस आर एडेड टू वन साइड,
एक साइड में हमने 8x प्लस जोड़ा है, तो दोनों साइड में 8 जो है उधर माइनस जोड़ेंगे, अर्थात यहां पर प्लस 8 ओएच माइनस लिखेंगे और इस साइड में भी प्लस 8 ओएच माइनस लिख देंगे। तो ये 8x और 8 ओएच मिल करके क्या हो जाएगा, 8x क्यूब हो जाएगा। इस 8x क्यूब चलिए ठीक है, और ये 4x क्यूब है, इसको क्या करेंगे भेज देंगे लेफ्ट साइड में, हो जाएगा आपका बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा 6i माइनस, ठीक है, ये 8x क्यूब 4x क्यूब माइनस हो गया तो प्लस 4x क्यूब प्लस 2mn4 माइनस 3i2 प्लस 2mn2 प्लस 1OH-, ठीक है, इसको क्या करना है लेफ्ट साइड में ले करके चले जाना है, ठीक। अब मिलाना चाहो मिला सकते हो, आयोडीन 6 है, आयोडीन 6 है, हाइड्रोजन 4 हो जाए 8, ऑक्सीजन 4 4 8 4 2 8 8 4 12, इधर देखेंगे 2 2 4 8 12, मैग्नीज 2 मैग्नीज 2, चार्जर देखेंगे 6 माइनस और 2 माइनस, 8 माइनस हो गया, इस साइड 8 माइनस हो गया, तो ये जो आपका बैलेंस इक्वेशन है एकदम कंप्लीटली बैलेंस है। इस वीडियो में हो रहा बेसिक मीडियम हो रहा था, इसको ओएच माइनस दिखाई पड़ रहा है, तो इसको नोट कर लेना, समझ में आ रहा है, ओके। मिटा दू, चलो मिटाता हूं, पास करके नोट कर लेना, ठीक। बेसिक मीडियम में भी बहुत वो डिफरेंट नहीं होता है, जिस तरह से हम न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं वैसे ही बेसिक मीडियम में भी हम बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों अगला, चौथा क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन हो गया, चौथा क्वेश्चन है कि बी आर माइनस, ठीक है, बी आर का वन माइनस है प्लस एम एन ओ फोर पर माइनस वन चार्ज, इक्वल टू बी आर ओ पी पर वन माइनस प्लस एम एन ओ टू, इसको आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत ही आसान है। चलिए ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन और देखेंगे बच्चों, माइनस और वन, मैग्नीज का भी निकाला था प्लस 7, यहां पर ब्रोमीन का निकालना चाहो तो एक्स माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5 आ जाएगा, ब्रोमीन तुम्हारा 20 लाख का एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन इफेक्ट शो करता है, यहां मैग्नीज 20 लाख एलिमेंट है प्लस 4 का होगा ऑक्सीडेशन, ठीक। अब देखो बच्चों ब्रोमीन जो है माइनस 1 से प्लस 5 पे जा रहा है, ब्रोमीन कहां जा रहा है माइनस 1 से प्लस 5, तो ऑक्सीडेशन होगा इसका। मैग्नीज देखेंगे प्लस 7 से प्लस 4 में जा रहा है, प्लस 7 से प्लस 4 में जाना, ऑक्सीडेशन हमारा देख ही रहा था, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया केवल आंसर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिलीज हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे, उसको बैलेंस कर लेंगे, रिडक्शन हाफ को लिखेंगे और उसको भी हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक। ऑक्सीडेशन आप क्या है बच्चों, बी आर माइनस इक्वल टू बी आर ओ थ्री पे वन माइनस, ठीक। जो ऑक्सीडेशन आप रिडक्शन आप क्या बच्चों, एम एन ओ फोर पे माइनस वन,
क्या दे रहा है MnO2 दे रहा है। चलिए ऑक्सीडेशन हाफ को हम बैलेंस करते हैं, ब्रोमीन ये ब्रोमीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ करके जो एटम होते हैं उनको बैलेंस करते हैं। ब्रोमीन पहले बैलेंस करने से ब्रोमीन इधर है इधर ये अब हो गया ये बैलेंस। ऑक्सीजन लेके इधर क्रिया इधर एक भी नहीं है 3H2O लिखना पड़ जाएगा। ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे इस वीडियो से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हाइड्रोजन पर गया इधर 6H है इधर प्लस 6H आयन ठीक। अब चार्जेस देखेंगे बच्चों इधर -1 चार्ज इधर जो है प्लस 5 का चार्ज आ रहा है यहाँ 5E लिखना पड़ेगा। फाइव नहीं बल्कि माइनस कॉमन आ रहा है ये माइनस कॉमन प्लस 6E लिखना पड़ जाएगा। दोनों तरफ माइनस कॉमन चार्ज होना चाहिए ठीक। ये अब ऑक्सीडेशन हाफ आपका बैलेंस रिडक्शन आप देखेंगे मैंगनीज मैंगनीज बैलेंस ऑक्सीजन इधर 4 है इधर 2 है 2H2O हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए प्लस 4H आयन लिखना पड़ जाएगा। इधर प्लस 3 आ रहा है प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे ठीक। ऑक्सीडेशन नाप देखेंगे उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है रिडक्शन आप में देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन है तो रिडक्शन आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीडेशन आपको 1 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं तो 3 यहां पर पहले लिखे के डी आर माइनस प्लस 3H2O प्लस 36 इलेक्ट्रॉन 3+6 प्लस 4+8H प्लस 2MnO4 माइनस ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा ऑप्शन Br2 3 1 माइनस हाँ उसके बाद आएगा प्लस 6H प्लस प्लस 6E प्लस 2MnO2 प्लस 4H2O ठीक। अब देखो लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन राइट साइड में भी 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल 3H2O तुम्हारा लेफ्ट साइड में है और 4H2O राइट साइड में है। ये 3H2O इस साइड में राइट साइड में आएगा H2O बचेगा। यह देखिए लेफ्ट साइड में 8H है और राइट साइड में 6H है तो इस तो राइट से लेफ्ट में लेते आएंगे इस यंत्र को क्या करेंगे लेफ्ट में ले आ जाएंगे। चलिए उसको सब कार्यवाही पूरी कर रहे हैं बी आर वन माइनस ठीक है यच एट यच में से ये 6H निकलेगा प्लस 2H आ जाएगा प्लस 2MnO4 वन माइनस राइट साइड में जाएगा तो बी आर 2 3 1 माइनस ठीक है। ये एच आयन इधर चला आया अब देखिए MnO2 2 MnO2 H2O 4H2O इधर से 3H2O आया तो एक बच गया ठीक। क्योंकि यह रिएक्शन जो है बेसिक मीडियम में हो रहा तो हम दोनों तरफ उतने OH आयन जोड़ेंगे जितने H आयन किसी एक साइड में होंगे। यहाँ पर जो 2H आयन है तो 2OH आयन जोड़ देंगे ऐसे ही यहाँ पर भी 2OH आयन राइट आयन जोड़ देंगे ठीक। आपका हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन बी आर वन माइनस प्लस 2H2O प्लस 2MnO4 1 माइनस इक्वल टू बी आर ओ 3 1 माइनस प्लस 2MnO2 प्लस H2O
प्लस 2 OH माइनस यस 2 इधर भी इधर भी है राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले करके आ जाने ये भी सर तरफ आ जाएगा माइनस हो जाएगा हो जाएगा क्या Br1 माइनस प्लस 2 mm ओवर 1 माइनस प्लस H2O इक्वल टू BrO3 1 माइनस प्लस 2 mm O2 प्लस 2 OH आयन ये आपका बैलेंस चेंज कैलकुलेशन है ठीक है कहीं से भी कुछ कमी जाते नहीं ब्रोमीन देखो एक मैंगनीज 2 मैंगनीज 2 ऑक्सीजन 4 5 इधर देखो 3 5 4 हो जा रहा है 4 में 8 9 जब 3 2 2 4 3 7 9 ठीक है हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 चार्जेस देखिए माइनस 1 माइनस 3 हो गया 3 माइनस 4 है यहां पर 1 माइनस 4 और 2 माइनस 3 चार्ज कर दिया तो ये हमारा इक्वेशन कंप्लीटली वेल बैलेंस है ठीक नोट करो चलो मिटाते हैं अब होमवर्क आपको देंगे बच्चों कम से कम दो होमवर्क दे देते हैं ताकि आप लोगों का काम चलता रहे तो नोट कर लें बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है Zn प्लस NO3 1 माइनस इक्वल टू Zn2 प्लस प्लस NS3 बेसिक मीडियम में इक्वेशन होगा ठीक है दूसरा होमवर्क है बच्चों CrOH फोर्टाइज प्लस NOIO3 माइनस बेसिक मीडियम में ये भी रिएक्शन हो रहा देगा क्या Cr डबल पॉजिटिव प्लस I माइनस ठीक है इन दोनों ये इक्वेशन को आप बैलेंस करके कॉपी में नोट करोगे जरूर इसको नोट कर लेना और जो एग्जांपल्स बताया जा रहा है उसे भी नोट कर लेना ठीक है सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते हैं हो गया चलो बेटा से अब बच्चों यदि मान लीजिए कि आयनिक फॉर्म में इक्वेशन नहीं दिया हुआ है उसको हम आयनिक फॉर्म में तोड़ेंगे चेंज करेंगे ठीक है देखो मान लो कि हमारे इक्वेशन हो रहा है Cu प्लस HNO3 Cu प्लस HNO3 gives CuNO3 whole twice plus NO2 plus H2O रिएक्शन में जो H2O दिया रहता है रिएक्शन में H प्लस दिया रहता है रिएक्शन में यदि OH माइनस दिया रहता है तो हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं उसे हम नहीं लिखते हैं ठीक है तो इसको आयनिक फॉर्म में यदि चेंज करेंगे बच्चों तो क्या होगा इस तरह से Cu प्लस ये H पर प्लस चार्ज आएगा और NO3 पे माइनस चार्ज आ जाएगा Cu पे डबल पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो NO3 आ रहा है उस पर माइनस कॉमन चार्ज आ जाएगा ठीक प्लस NO2 तो देखिए NO3 यहां पर भी है NO3 यहां पर भी है
इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे, क्यों? क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। 5 प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, मैंने यहां पर प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर के का पर का 0 है, हाइड्रोजन का H नहीं NO3 तो लिखना पड़ेगा, NO3 रहेगा। ठीक, नाइट्रोजन का यहां पर निकालेंगे प्लस 5 आएगा, यहां प्लस 2 है कॉपर का, नाइट्रोजन का यहां पर 2 गुना 4 प्लस 4 आएगा। ठीक, ओके, अब इसको आपको बैलेंस करने हैं। देखिए बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है, तो कॉपर देखोगे 0 से प्लस 2 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। नाइट्रोजन देखोगे बच्चों प्लस 5 से प्लस 4 में जा रहा है, रिडक्शन। ठीक, अब लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। ऑक्सीडेशन आप लिख लेंगे CU क्या दे रहा है, CU डबल पॉजिटिव। रिडक्शन क्या हो रहा है, NO3 माइनस क्या दे रहा है, NO2 दे रहा है। ऑक्सीडेशन आप पहले बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ करके से सभी एटम को बैलेंस करते हैं। पहले से चार्ज बैलेंस करने के लिए आपको प्लस 2 ही लिखना पड़ जाएगा राइट साइड में। अच्छा बच्चों, ये मत पूछना कि किस मीडियम हो रहा है, HNO3 है, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, बेसिक मीडियम में नहीं। मीडियम पूछने की बेवकूफी मत करना। देखो यहाँ पर एसिड है, ठीक, ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ बताओ नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन एक बैलेंस, इधर ऑक्सीजन 3 जराक्सियन 2, यहाँ पर क्या करेंगे प्लस H2O, हाइड्रोजन क्या जो मिलेगा प्लस 2H प्लस। अब देखो बच्चों चार्ज देखेंगे, इधर माइनस 1 इधर प्लस का 2, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 करने के लिए प्लस 3E करना पड़ेगा, 3E में से देखिए 3 माइनस में से 2 प्लस निकलेगा, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये बैलेंस हो गया। और क्या करेंगे, ऐसे लोगों को जोड़ेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ऑक्सीडेशन आपने 2 इलेक्ट्रॉन 3 का दूंगा, रिडक्शन आपने 3 इलेक्ट्रॉन 2 का दूंगा कर लेंगे, और करने के बाद इलेक्ट्रॉन को लिख लेंगे जोड़ेंगे। देखिए 3CU गिव्स 3CU डबल पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या आ जाएगा 2NO3 माइनस प्लस 2H2O 2NO2 प्लस 4H प्लस प्लस 6E। अब इसको बैलेंस आप को जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़िए 3CU प्लस 2NO3 माइनस प्लस 2H2O
थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है, देखिए एक बार और। यहाँ पर ऑक्सीजन 3H, यहाँ H2O इधर इस साइड में लगा है, इधर 2H प्लस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए चार्ज देखेंगे, यहाँ पर प्लस का वाला आ रहा है, इधर E लग रहा है, ठीक। यह आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब देखिए इधर दो इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वन का इधर जो है 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर कलर तो हो ही गया जो वैसे ही रह जाएगा, वही रह जाएगा। चलो अभी इसको बताते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2e प्लस 4h प्लस प्लस 2NO3 माइनस 2NO2 प्लस 2H2O जोड़ लीजिए, आएगा आपका Cu प्लस 2e प्लस 4h प्लस प्लस 2NO3 1 माइनस इक्वल टू Cu डबल पॉजिटिव प्लस 2e प्लस 2NO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब देखिए बच्चों 2e दस किया है, लिपिड साइड प्रोडक्ट साइड गेट्स कैंसिल, तो कैंसिल होने के बाद आप इक्वेशन को निकलोगे Cu 4H प्लस 2NO3 1 माइनस Cu 2 पॉजिटिव 2NO2 2H2। अब बच्चों हमको फिर से जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, जितने H आया है उतने हम NO3 जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 4NO3 1 माइनस, ऐसे यहां पर भी प्लस 4NO3 1 माइनस, ओके। अब आपका बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा बच्चों Cu प्लस 4HNO3 2NO3 वाले ही है 2NO3 यहाँ साइड में भी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो 4H3 Cu प्लस 4H3 प्लस कुछ नहीं, प्लस तो बचेगा ही नहीं, ठीक है, ये हो गया, ये 2 2 4 4H3 हो गया। राइट साइड में आएंगे Cu 3 वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H, तो ये फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ गए, इक्वेशन जो आपका जैसे था वैसे है। देखिए बैलेंस है कि नहीं है, कॉपर एक कॉपर एक, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, चार किया 12, ऑक्सीजन 3 6 10 तो 12, सब कुछ बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो नोट करना, ठीक है। हो गया, पास करके नोट करते हैं। बता दे जाते हैं, इसी पर आधारित क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं आपको, और वो जरूर आपको कर लीजिएगा, तो होमवर्क हम करेंगे। इसी बार कंसंट्रेटेड नाइट्रोजन की सीखना, इस बार डायलॉग दिया गया Cu प्लस HNO3 डायलॉग उठा जाए, ठीक है, मीन्स CuNO3 और प्लस NO प्लस H2O,
बैलेंस करना है, मोर द लोड। अब हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, ओके। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का। P4+NaOH gives PS3+NaH2PO2. इसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। फास्फोरस का यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर फास्फोरस का क्या होगा, माइनस का थ्री होगा। यहाँ पर फास्फोरस का निकालेंगे तो X+1+2-4=0+1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसको आयनिक फॉर्म में तोड़ देते हैं। ये इसको तोड़ोगे ये प्लस चार्ज आ जाएगा, उस पूरे पे माइनस का वन चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आयनिक रूप में लिख लेते हैं रिएक्शन को। क्या होगा, P4+OH-, इस OH- को भी हम गायब कर देंगे, क्यों, कोई आवश्यकता नहीं है। PH3+H2PO2-1-, ठीक। यह आपका जाती है, बेसिक मीडियम रिएक्शन हो रहा है, उसको ओएच को हम हटा दिए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। अब देखो बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है, फास्फोरस या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक बार जो है जीरो से माइनस थ्री आ रहा है, रिडक्शन हो रहा है। एक बार क्या हो रहा है, रिडक्शन, और दूसरी बार क्या हो रहा है, ऑक्सी डेशन होगा, जीरो से प्लस में, ओके। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ लिख लेंगे और बैलेंस शुरू करेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ हमारा क्या है, P4 दे रहा है H2PO2-1-, रिडक्शन आप क्या दे रहा है, P4PH3 दे रहा है, ठीक। अब ऑक्सीडेशन आपको बैलेंस करेंगे, रिडक्शन आपको बैलेंस करेंगे। देखिए फास्फोरस सबसे पहले चार है, इधर एक है, तो फोर लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इधर चार दो आठ, आठ ऑक्सीजन है, इधर PaTH2 लिखना पड़ेगा। इधर 16H हो गया, सॉरी हाँ चार, हाँ चार गुना प्लस PaTH2 लिखना पड़ जाएगा, 16H इधर है, इधर आठ एच है, प्लस PaTH+ लिखना पड़ जाएगा। अब चार्जेस बैलेंस करेंगे बच्चों, इधर जीरो चार्ज है, इधर पर चार माइनस और एक प्लस है, फोर माइनस लिखना पड़ जाएगा, फोर ई, ठीक है। अब बैलेंस करेंगे, चार चार आठ माइनस आठ प्लस जीरो बैलेंस, ठीक। इधर आइए फास्फोरस चार, फास्फोरस एक भी आप चार करना पड़ेगा, फिर हाइड्रोजन थ्री है, यहाँ चार में बारह है, प्लस बारह एच प्लस लिखना पड़ेगा। इधर चार्ज देखिए 14 प्लस है, 12 प्लस है, तो 12 ई लिखना पड़ जाएगा, ठीक।
अब देखिए बच्चों, ये रिडक्शन हाफ हो गया और ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया। चार इलेक्ट्रॉन अंदर 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें तीन का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक का मल्टीप्लाई करेंगे। चलो इस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3p4 प्लस 24 H2O इक्वल टू 3 × 4 = 12 H2PO2 1 माइनस 8 × 3 = 24 H प्लस प्लस 4 × 12 इसको बैलेंस करना वैसे ही है। चलो इनको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करके लिख लेते हैं दोनों को, क्या होगा 3 × 4 P4 और P4 4P4 हो जाएगा प्लस 24 H2O ठीक प्लस 12P प्लस 12 H प्लस राइट साइड में आएंगे 12 H2 PO2 वन माइनस प्लस 24 H प्लस प्लस 12 E प्लस 4 PS3 ठीक है। अब देखिए 12 E इस साइड है, 12 E इस साइड है, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। 12 H 24 H इस 12 H को क्या करेंगे यहां पर जाकर के डाल देंगे, हो जाएगा 4P4 प्लस 24 H2O ठीक है इक्वल टू 12 H2 PO2 वन माइनस तो ये 12 प्लस 12 H प्लस 4 PS3 क्योंकि बेसिक मेटल हो रहा है, जितने H प्लस रहेंगे उतना OH माइनस दोनों तरफ जोड़ेंगे। चलो यहाँ पर 12 OH माइनस जोड़ा और यहाँ पर भी उतना ही 12 OH माइनस जोड़ा, जोड़ने पर क्या जाएगा 4P4 प्लस 24 H2O प्लस 12 OH माइनस गिव्स 12 H2 PO2 वन माइनस प्लस 12 H2O प्लस 4 PS3 जो 12 H2O बच्चों इस साइड में आ जाएगा तो देखो है ना यहाँ पर आ जाएगा तो हो जाएगा 4P4 इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं। इधर सब जगह जो है बच्चों 4 कॉमन है
4 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा P4 प्लस 3H2O प्लस 3NaOH इक्वल टू 3NaH2 PO2 प्लस PH3। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, इसमें कहीं कोई भी कमी नहीं है। बैलेंस नोट करना, इसको आसान है, कठिन नहीं है। कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती, लालो से डर के नौका पार नहीं होती। बच्चों इसको नोट कर लें, उसके बाद एक उम्र का दूंगा, फिर ये इस वीडियो को मैं अलग करूंगा। भास्कर तीनों पर ये मिटाते हैं, चलो मिटाते हैं उम्र के विषयों में। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल नोट कर लें, होमवर्क कर लें। I2 प्लस KOH, I2 प्लस KOH गिव्स KI प्लस KIO3 प्लस H2O, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। थैंक यू।